वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग के दौरान अभिनेता सलमान खान सहित कई फिल्म हस्तियों पर हिरण शिकार के आरोप के मामले में फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन इसी बीच क्या सलमान खान को अब माफ करेगा विश्नोई समाज? अखिल भारतीय विश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकल 18 से बातचीत करते हुए बताया कि 27 साल पुराने मामले में विश्नोई समाज सलमान खान को माफ कर सकता है। समाज के प्रमुखजन आपस में बैठकर निर्णय भी ले सकते हैं। अगर सलमान खान मुकाम में आकर अपनी गलती को कबूल करते हुए माफ़ी मांगते हैं तो विश्नोई समाज अपने 29 नियमों के तहत माफ़ी भी कर सकता है। उनतीस नियम में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक नियम यह भी है कि क्षमा दया हृदय तक माफ, अगर उसका प्रस्ताव आता है और वो गुरु महाराज के समाधि के सामने मंदिर के बाहर मत्था टेकता है और समाज के वो प्रस्ताव देता है माफ़ी का, तो उस पर विचार किया जा सकता है। अब पूरे मेरे को पुत्र मेरे गांव के पास ही हुआ था और उस पर हम लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़ी और भी लड़ रहे हैं और हम लोग न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, दी जा सकती है अगर वो विधिवत प्रस्ताव देता है माफ़ी के लिए तो दी जा सकती है। उसमें 1 और 2 अक्टूबर के दरमियानी रात्रि जो लूनी गांव में सरहद है, जहां काकाणी गांव है, वहां पे सलमान खान और अन्य उनके सहयोगी के द्वारा शिकार किया गया था, जिसमें गांव के पूनम चंद और अन्य लोगों ने रात्रि में जब उन्हें संदेह हुआ तो गाड़ी की लाइटें जल रही तो वो घटनास्थल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सलमान खान और लोग उनके 2 काले हिरणों का शिकार जो उनके ऊपर फायर किया, जिसमें 2 हिरणों की मौत हो गई थी। उसके बाद उन्होंने उनका पीछा किया, पीछा करते हुए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उनके पास मोटरसाइकिलें होने और पैदल होने की वजह से सलमान खान के पास में पेट्रोल की जिप्सी होने से वो भागने में सफल हो गए, जिस पर प्रत्यक्षदर्शी गवाह ने उन्हें मुलजिमों को पहचान लिया था। उसके पश्चात बिश्नोई समाज में ज़बरदस्त आक्रोश हुआ, समाज में आज भी, क्योंकि बिश्नोई समाज में गुरु महाराज की ये प्रेरणा रही है कि वन्य जीवों और पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा उदाहरण अमृता देवी का है, जिसमें पेड़ों के लिए 363 शहीद हो गए तथा आज भी आप देखते आ रहे हो कई बिश्नोई के साथ अन्य समाज के लोग इनों के शिकार के बीच में अपने प्राण दे के भी जिंदा रख रहे हैं, जैसे फलोदी से शैतान सिंह है, उसके अलावा 2 केस जोधपुर से है, अन्य लोग भी काफ़ी है जो आज भी हिरणों के लिए अपनी जान दे देते हैं। इसलिए वो इसलिए मानते हैं क्योंकि ये भगवान गुरु महाराज की दिव्य प्रेरणा है कि इसकी सुरक्षा और रक्षा करना। तो इस तरह से उसने जो शिकार किया है इसके प्रति उसके बिश्नोई समाज में उसके प्रति आज भी नफरत और घृणा है।